उत्तराखंड में स्थित चार धाम के कपाट खुलने के बाद मंदिरों में भक्तों का सैलाब सा उमड़ गया। चार धाम यात्रा में शामिल हुए यात्रियों को इस दौरान लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है और दर्शन के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। ऐसे में कई श्रद्धालु तो यात्रा पूरी किए बिना ही वापस लौट रहे हैं, तो वहीं कुछ पर्यटक दर्शन के लिए परेशानी उठा रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था। 15 और 16 मई के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गए थे। साथ ही अव्यवस्था और परेशानी के कारण श्रद्धालुओं को बीच में ही रोक दिया गया। वीवीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मंदिर परिसर से कुछ दूर तक वीडियोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई, ताकि तस्वीरें लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ तीर्थ स्थान पर ना लगे। चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ के कारण हो रही असुविधा और परेशानी से बचने के लिए यात्रियों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आप भी जान लीजिए कि अगर आप भी चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपकी यात्रा में इतनी मुसीबतें ना आए। तीर्थयात्रियों को भीड़ के कारण दर्शन मिलने में समस्या हो रही है। तीर्थयात्री अधिक भीड़ के कारण स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। भीड़ में फंसने से श्रद्धालुओं की मौत का मामला भी सामने आ रहा है। चार धाम यात्रा के लिए उमड़ी भीड़ के कारण उत्तराखंड के यातायात व्यवस्था भी ठप होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से 2 या 3 दिन के लिए आने वाले यात्री बिना पूरी यात्रा किए ही वापस लौट रहे हैं। पर्यटकों के कारण होटल में कमरे भी नहीं मिल रहे। ऐसे में यात्रियों को ठहरने का या रुकने का कोई भी साधन नहीं मिल रहा है। अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप भी चारधाम यात्रा जाने का सोच रहे हैं तो आपको कब चारधाम यात्रा जाना चाहिए, ताकि आपको असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। चारधाम यात्रा के दौरान भीड़ की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर श्रद्धालुओं के मन में सवाल होगा कि चारधाम यात्रा पर जाने का सही समय क्या है। भीड़ से बचना चाहते हैं तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए चारधाम यात्रा का प्लान न बनाएं। जुलाई या अक्टूबर तक चारधाम यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। इसके लिए भीड़ को देखते हुए ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अब चारधाम यात्रा के दौरान कहाँ ठहरें, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। चारधाम यात्रा के दौरान अत्यधिक भीड़ बढ़ने से प्रशासन को परेशानी हो रही है। देहरादून, ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, यमुनोत्री और गंगोत्री के आसपास के लगभग सभी होटल बुक हो चुके हैं। यात्रियों को रात गुजारने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। ऐसे में प्रशासन ने ऋषिकेश में रहने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांजिट कैंप में हैंगर और टेंट की व्यवस्था की है। साथ ही धर्मशालाओं, स्कूलों और वेटिंग पॉइंट में तीर्थयात्रियों को रुकवाने के इंतजाम भी किए हैं। अब दर्शन के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, ये भी सुन लीजिए। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। भीड़ के कारण 2 दिन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था, लेकिन अब वापस खोल दिया गया है। हालांकि अगर आप दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो पहले आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा लेने के लिए भी पहले से ही बुकिंग करा लें। साथ ही साथ हम आपको यहां कुछ वेबसाइट के नाम बता रहे हैं और नीचे वेबसाइट के लिंक भी दे रहे हैं। आप इन लिंक्स पर जाकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारधाम के दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। याद रहें कि पूरी व्यवस्था से केदारनाथ धाम जाएं, दर्शन करें और अपनी सुविधा का जरूर ध्यान रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।